हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के इस्तीफे के बाद से ही पार्टी में घमासान मचा हुआ है। कैप्टन अजय यादव लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। इतना ही नहीं, वो सोशल मीडिया पर लगातार बिना नाम लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साध रहे हैं। हाल ही में अजय यादव ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट के जरिए राहुल गांधी को टैग करते हुए भूपेंद्र दीपेंद्र हुड्डा को चापलूस तक करार दे दिया। मैं स्वाभिमान में विश्वास रखता हूं, पद पर रहना जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी ये है कि आप बिना किसी बाधा के पार्टी के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। मैं साल 1988 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ था। उस दौरान पार्टी में राजीव गांधी और सोनिया गांधी के अलावा दूसरे नेताओं से मेरी बातचीत अच्छी थी, लेकिन इस समय राहुल गांधी के इर्द गिर्द चापलूसों के गुट ने घेरा बनाया हुआ है, जिसकी वजह से पार्टी के सीनियर नेताओं के अलावा दूसरे कार्यकर्ताओं ने भी उनसे दूरी बना ली है। अजय यादव की इस पोस्ट ने एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गरमा दिया है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी है कि वो हाईकमान के सामने पार्टी में चल रही गुटबाजी और तेरा मेरा वाली नीति को खुलकर उजागर कर रहे हैं। वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हाईकमान से चोरी छिपे हुड्डा गुट अपने नेताओं को तवज्जो देते और बाकी नेताओं को दरकिनार करते थे। इतना ही नहीं, कैसे उन्होंने ऐन वक्त में न सैलजा को चुनाव लड़ने दिया न रणदीप सुरजेवाला की पैरवी हाईकमान से की, जिससे कहीं ना कहीं उनके कोर वोटर ही उनसे छूट गए। एक बात जो यहाँ गौर करने वाली है वो ये कि कैप्टन के इस्तीफे के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अजय के पोस्ट ने उन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए आजीवन कांग्रेसी होने की इच्छा जाहिर की, जिससे ये साफ हो गया है कि अजय यादव फिलहाल कहीं नहीं जा रहे हैं। बहरहाल अजय यादव किस पार्टी का दामन थामेंगे या आजीवन कांग्रेसी रहेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अजय यादव आने वाले समय में भूपेंद्र हुड्डा के लिए खतरा बन सकते हैं, क्योंकि इस समय हाईकमान हुड्डा परिवार से नाराज है। ऐसे में उनके खिलाफ दिए जा रहे बयान उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। बता दें, इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए प्रदेश की 90 में से 48 सीटें अपने नाम की। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को 37 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा।